चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस साल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग 9 केमिस्ट्री के अंदर भी इसको थोड़ा बहुत जरूर पढ़ चुके हो, लेकिन अब इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड इज सच एन इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड दैट इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ कंपाउंड। किंग ऑफ कंपाउंड कहलाता है जनाब, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आज से अगर आप 3-4 दहाइयां पीछे चले गए, 30-40 साल पीछे चले गए, तो किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का अंदाजा उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग से लगाया जाता था कि जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होगा वो कंट्री उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पर कर रही होगी। द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमारे पास 3 ऑपरेशन है जिनके अंदर बेसिक काम हो रहा है। वैसे तो 7 ऑपरेशन है लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट काम है वो 3 ही हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स प्योरिफिकेशन। पहले प्रोसेस में हम सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे। दूसरे स्टेप में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर में लेकर आओगे तो आप सल्फर डाइऑक्साइड को कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लियर करोगे तो आपको ओनियम मिलेगा। यहाँ कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन को हम टॉपिक को समझते हुए करेंगे कि SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करने से भी H2SO4 बन सकता था, लेकिन हम इसको H2SO4 के साथ ही क्यों रिएक्ट कर पाए। कंडीशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमम यील्ड, बेटा जब भी हम कोई काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तो हम अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, वरना इतना महंगा प्रोसेस है कि अगर आप कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लाइक हमारे पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम यील्ड क्या है, एक्सिड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो भी मेरे पास अच्छा रिएक्टेंट अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। यूज ऑफ कैटलिस्ट लाइक B2O5 एक अच्छा कैटलिस्ट यूज करेंगे तो भी हमारा रिएक्शन तेजी के साथ प्रोसीड होगा। टेम्परेचर नो रखना है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी जरा हमारे पास अच्छा टेम्परेचर होगा। या प्रेशर हाई रखना है दैट इज 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन चारों को थोड़ी देर बाद जब मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो इन चारों की इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस को जरा डिस्कस करेंगे। अब जरा एप्रेटस को देख लेते हैं। बेटा पहले मेरे पास 10 प्रेसिपिटेटर मौजूद है जहां पर आप सल्फर को इंप्योर सल्फर को बेसिकली रिएक्ट साफ करवाओगे विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर आएगी और सल्फर के अंदर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगी। ये सल्फर फिर वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में जाएगा जहां पर इसके ऊपर वाटर स्प्रे होगा। वाटर स्प्रे होने की वजह से इसके अंदर जितनी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाएगी और फिर ये चला जाएगा जरा कंसंट्रेटेड H2SO4 के पास। कंसंट्रेटेड H2SO4 के पास जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो मॉइस्टनेस मौजूद होगी जो कि इससे पिछले वाले रिएक्टर की वजह से इसके अंदर आ गई थी, वो H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसके अंदर से वो वाटर वेपर को खत्म करेगा, इसको ड्राई सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये ड्राई सल्फर कैटालिटिक कन्वर्टर में आएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर में ये SO2 की फॉर्म में आएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर इस SO2 को मजीद ऑक्सीडाइज करके SO3 में कन्वर्ट करेगा और इस SO3 को जब हम ऑक्सीडेशन चैंबर की तरफ ले जाएंगे, लास्ट टॉपिक की तरफ ले जाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से मुझे अमोनिया मिलेगा दैट इज H2S2O7। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी बल्कि H2S2O7 के अंदर वाटर ऐड करवाएंगे तो ही हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा क्योंकि H2S2O7 हाईली कंसंट्रेटेड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कंसंट्रेटेड। अब जरा प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या था कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है और उसकी प्योरिफिकेशन करनी है। तो जनाब हम लोग क्या करेंगे, प्योर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बर्निंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि सल्फर भी मेरे पास इजीली अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी मेरे पास इजीली अवेलेबल है, पैराइट बर्नर के अंदर पूरा का पूरा काम हो रहा होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ड्राई ऑक्सीजन होनी चाहिए, ड्राई एयर के अंदर ये काम होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को भी बर्न करके तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली महंगा सौदा है। क्यों, सल्फर आयरन पाइराइट इतना इजीली अवेलेबल नहीं है जबकि सल्फर बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में और सस्ता भी है। SO2 कंटेन इंप्यूरिटीज लाइक AS2O3, एंटीमनी ऑक्साइड मौजूद है, मिस या मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, तो इसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाटर के ऊपर स्प्रे करेंगे और वाटर के बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से निकालेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में मेरे पास आ जाए। तो जनाब हम लोगों ने AS2O3 को कैसे अलग किया, AS2O3 और पैरिक ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराया तो FeAsO3 जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिस्टम से बाहर निकल गया। उसके बाद अब हमारे पास सल्फर ऑक्साइड बन चुका है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन चुका है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रीच एट प्रिंसिपल लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन व्हेन रेडियम पेंटऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अंडर दिस कंडीशन 98% SO3 इज प्रोड्यूस्ड। आप क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड
enthalpy of 46 kilocalorie per mole. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 H2SO4. बेटा यहां पर एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि सर अगर हम SO3 को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, हमने काम को इतना लंबा क्यों किया? बेटा उसका जवाब तुम्हें यहां मिलेगा, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो तुम्हारे पास 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर है. इस रिएक्शन में जब तुम वाटर के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करोगे तो वाटर सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन जाएगी. सुपर सैचुरेटेड स्टीम की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड स्टीम की फॉर्म में आ जाएगा. स्टीम की फॉर्म में आने का मतलब एक तो वो डाइल्यूट होगा जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, दूसरा उससे बड़ा खतरा ये एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेगा. तो इसलिए हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते. अब किसी के साथ तो रिएक्ट करवाना है तो हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. अब यहां पे काम होता है जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता बल्कि हाईली कंसंट्रेटेड ओलियम मिल जाता है, दैट इज H2SO7. अब इस H2SO7 को सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करोगे. जब वाटर के साथ डाइल्यूट करोगे तो आपको दो मोल मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, दैट इज H2SO4. तो जनाब ये हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्शन था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आपने SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कैसे करना है. तो आपके पास दो कंडीशंस थी जिनमें से हम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते थे, लिमिटेशंस आ गए. तो जनाब अब जरा सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. करंटलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है और इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं. एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा. हाईली विस्कस होता है, सारे टेस्ट होते हैं जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम एसिड्स को हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि दे मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट. 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल हो जाता है और डीकंपोज हो जाता है हाई टेंपरेचर पर. मतलब आपको हाई टेंपरेचर पे लेकर आओगे तो H2SO4 SO3 और वाटर में डीकंपोज हो जाएगा. 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है. हाइग्रोस्कोपिक एंड कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब जिस रिएक्शन के साथ रिएक्शन देगा, जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन देगा उसको बेसिकली ये डीकंपोज और उसको कोरोड करना शुरू कर देगा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स व्हिच आर एज़ फॉलोस. तो जनाब एसिड है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. नाइट्रिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी एसिड को किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट ऑफ वाटर मिलता है. किसी भी एसिड को किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो जनाब मेटालिक सॉल्ट और वाटर मिलता है. तो यहाँ पर भी हम इन्हीं चीजों को देख रहे हैं. H2SO4 ब्रेक होगा तो बीन एन आर्डिनियस एसिड 2H पॉजिटिव आयन आएगा और सल्फेट आयन आएगा. इसी तरीके से H2SO4 को NOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो वाटर मिलेगा और सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है. सिमिलरली H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जनाब Na2SO4 सोडियम सल्फेट मिलेगा और जनाब 2H2 वाटर मिलेगा, ये भी एक सॉल्ट है. ऑक्सीडाइजेशन, दुनिया में जितने भी एसिड है जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे जितने ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी. जैसे हम